हेलो फ्रेंड, क्रिएटिव ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि थ्रेडिंग कितने प्रकार की होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक पेज पर पहले से थ्रेडिंग बना रखी हैं। तो चलिए अब दिखाते हैं। तो जो ये पहले नंबर पर बनी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत कम ऊपर को भरा हुआ हिस्सा होता है, इसीलिए इसको सॉफ्ट एंगल बोलते हैं। और जो दूसरे नंबर पर बनी हुई हैं, इसमें आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा उभरा हुआ हिस्सा है, इसीलिए इसको हार्ड एंगल कहते हैं। और जो तीसरे नंबर पर बनी है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधी होती हैं, इसीलिए इसको स्ट्रेट बोला जाता है। और जो चौथे नंबर पर बनी है, इसमें आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा घुमाव है, इसीलिए इसको राउंड शेप में बोला जाता है। और जो पाँचवें नंबर पर बनी है, इसमें आप देख सकते हैं जो बनी हुई है इसको एस शेप्ड में बोला जाता है। तो थ्रेडिंग हमेशा फेस के अकॉर्डिंग ही बनती हैं, जिसका फेस जिस हिसाब से होगा और उसकी थ्रेडिंग जैसी बनी होंगी उसी हिसाब से आपको शेप देना होता है। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।